क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई। चल 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 निकल। क्या हुआ भाईजान, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाए? तू वहाँ क्या कर रहा था? अरे भाईजान, मस्त छमिया थे, नजारे ले रहा था। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? गलती हो गई भाईजान, दोबारा ऐसा नहीं होगा। कौन थी वो लड़की, तू जानता है क्या उसे? मुझे पता है ना हम लोग यहाँ किस मकसद से आए हैं। अगर तूने कुछ गड़बड़ की ना तो हम लोग जिंदगी भर यही जेल में सड़ते रहेंगे, समझ गया ना? क्या तुझे पता है? क्या पता वो लड़की जासूस हो सकता है वो लड़की हमारे बारे में जानने के लिए तुमको पटा रही हो। ऐसी चीजों से दूर रहो। मैं बार बार नहीं टोकने वाला, समझे? जी भाई। आइंदा ध्यान देना, सिर्फ वो लड़की नहीं और भी लोग हो सकते हैं जिनकी नजर हमारे ऊपर ही है। यहाँ पर बचा के रहना है और अपने काम को अंजाम देना है। किसी को भी भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हम कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझे क्या? जाओ तुरंत होटल के कमरे में, तुम बाहर मत निकलना। Oh!
तुम यहाँ? अरे लेकिन ये तो वर्मा चाचा का घर है ना? हाँ, ये उन्हीं का घर है और वो मेरे बाबूजी हैं। अच्छा ठीक है। पीछे लो। क्यों? अब पहली बार घर आई हो, दाहिना पैर आगे बढ़ो। लेकिन अभी तक तो मिसेस अजय नहीं बनी हूँ। तो बन जाओ ना, मना किसने किया है? मैं तो कब से तैयार हूँ। मुझे इतने सस्ते में पटाना आसान नहीं है। तो दहेज दे के ले आऊंगा, बाकी लाऊंगा जरूर इसी घर में। गार्ड बांध लो। अरे बेटा, बेटा कौन है? बाबूजी, ये आपसे ना मिलने आई है। अरे तू वहाँ क्यों खड़ी है? अरे काजल बेटी, प्रणाम चाचा जी। खुश रहो, खुश रहो, अंदर आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो तो बाबूजी ने आपको घर पे बुलाया है ना, तो बस टाइम पर आ जाइएगा, यही बताने के लिए आई हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, चलती हूँ, प्रणाम। अरे रुको बेटी। अरे बुड़बा की हो क्या? हाँ बाबूजी। क्या कहा? अरे नहीं नहीं बाबूजी। हाँ तो ठीक है, जाओ काजल को घर छोड़ के आओ, जाओ। आओ चलो, डरते तो हम अपने बाप से हैं। बाप ने परमिशन दे दिया तो फिर क्या कहना। बैठो। चलो। ये बच्चा के जैसे क्या बैठी हो, जवान हो गई हो। जवान के जैसे बैठो ना। ठीक से तो बैठी हूँ। अरे जवान हो गई हो, फीलिंग नहीं आ रही है क्या? ए, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? लेकर चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। देवी गुस्सा मत यार, बैठ जाओ। मेरा मतलब है कि ऐसे बैठो मुझे भी मजा आ जाए और गियर भी बदल जाए। ठीक है चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या खबर है? सारी तैयारियां हो चुकी हैं जनाब, इस बार हम लोग चूकेंगे नहीं, बस आपके हुक्म की देरी है। हमारे सारे जवान तैयार हैं, हिंदुस्तान के सैनिकों का सर धड़ से अलग करने के लिए। आमीन। जी जनाब। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म, बस आपके हुक्म का इंतजार है हमें। ध्यान देना, इस बार मिशन में कोई खलल नहीं होनी चाहिए। जी जनाब। ऐसा कहर मचाओ कि हिंदुस्तानियों का रोम रोम कांप उठे। जी जनाब। धमाका ऐसा हो कि हिंदुस्तानियों की आने वाली 7 पीढ़ियां थर्रा उठे, उनकी हदें उनको याद दिलाओ। जी जनाब। और जाओ मुनव्वर खान को भी ये इत्तला कर दो ताकि वो सारी तैयारियां शुरू कर सके। जाओ। जनाब आपका हुक्म सर आंखों पे। सलाम जनाब। इसको हमने इतना मारा लेकिन इसने फिर भी अपनी जुबान नहीं खोली। जनाब हम तब से इसे बहुत बेरहमी से मार रहे हैं लेकिन फिर भी ये कुछ बताने को तैयार नहीं है। अबे सुन पाकिस्तानी पिल्ले, मेरी उम्र से क्या अंदाजा लगा रहा है बे? हमारे देश के नौजवानों में इतनी गर्मी है कि तेरे जैसे पाकिस्तानी झेल नहीं पाएंगे। अब तो तेरी गर्मी निकालनी ही पड़ेगी मुझे। बहुत फड़फड़ा रहा है साले। ए! सुन, मैं इसकी गर्दन काट रहा हूँ और तू इसका वीडियो बना। जी जनाब। और हिंदुस्तान में भेज ताकि हिंदुस्तान में कोई भी मर्द पैदा होने से सैकड़ों बार सोचे। जय हिंद सर। जय हिंद सर। एक बैड न्यूज है। क्या है बैड न्यूज सर? अभी अभी इंटेलिजेंस से खबर मिली है कि आतंकियों ने हमारे ठिकानों पर हमला करना शुरू किया। अच्छा, तुम लोग थोड़े होशियार रहो, वहाँ पे हम अपने और सैनिकों को लगा देते हैं, उन देशद्रोहियों को उनकी औकात दिखा देते हैं। इट्स ऑर्डर। ओके सर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आतंकवादियों ने हिंदुस्तानी सैनिकों और उनके ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है।
उन्होंने भारतीय सैनिक का सर कलम करके उसका MMS बनाकर भारतीय जनता में वायरल कर दिया है, और उन्होंने धमकी दी है कि हर हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी सैनिक का यही हाल करेंगे जब तक उन्हें उनका पूरा हक नहीं मिल जाता। सेना प्रमुख ने आर्मी को पूरी तरह अलर्ट रहने का आदेश दिया है। इस हमले का जिम्मेदार आतंकी संगठन प्रमुख अजहर पठान माना जा रहा है। अजहर पठान आतंकवादियों का मुख्य कमांडर है। जी हाँ दोस्तों, ये वही अजहर पठान है जिसका आज तक किसी ने चेहरा नहीं देखा है। देश दुनिया की सारी ताकतों ने इसे पकड़ने का पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन आज तक वो किसी के हाथ नहीं आया है। हाथ आने की बात तो दूर, किसी ने आज तक उसका चेहरा तक नहीं देखा है। सिर्फ लोगों में उसके नाम का खौफ है, अजहर पठान, अजहर पठान। अब देखते हैं हिंदुस्तानी सैनिक उनकी बुरी नजरों पर कैसे पानी फेरते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ देश दुनिया की सारी खबरों के लिए। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। ये साइकिल किस लिए? आप आगे आगे दौड़ेंगे, हम पीछे पीछे फॉलो करेंगे। अच्छा, ये साइकिल दीजिए। तो पर साइकिल क्यों? अरे दीजिए लीजिए। चश्मा दीजिए जरा। चश्मा? पर क्यों? अरे दीजिए, बुढ़ापे में जवानी आ रही है। कैसे लग रहे हैं आप? एक नंबर भैया। अरे अरे बैठना नहीं है, फॉलो मी। ये भैया का ऑर्डर नहीं है, फौज का ऑर्डर है। भैया का ऑर्डर नहीं है, ये फौज का ऑर्डर है, बैठना नहीं है। अरे फौजी आप हैं, दौड़े हम काहे? फॉलो मी, जल्दी करो वरना सजा डबल हो जाएगी। भैया गलत बात है। नहीं जाऊंगा आगे, मैं थक गया हूँ। दौड़ो उठ के। आप ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे उठ जा, क्या पता कब देश को तेरे जैसे जवान की जरूरत पड़ जाए। हमको ना देश के काम नहीं आना है, आप ही काम आओ। अरे पगले, शरीर में फुर्ती रहेगी, ताकत रहेगी तो कभी भी किसी भी समय किसी को भी झाड़ सकता है। गाँव में मुझे कोई नहीं भिड़ता है, जो भिड़ता है उसे पटक के चाप देता हूँ। हाँ। अच्छा ठीक है, उठ जा भाई, आओ बैठो बेवकूफ कहीं का। लो चश्मा अपना दीजिए, चल बैठ। मेरे भैया चाचा जी। ओ चाचा, कहा बिल चाचा, कहा रोवत बड़ा? पापा की याद आवत बका, हम रोवत रहनी, लेकिन दादाजी मना कैले, कहले हाँ कि पापा देश के दुश्मन से लड़े गए बड़े। लेकिन चाचा गांव वाले कहले हाँ कि पापा लौट के कबो ना आई है, कई बात सच है। पापा जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। चल बेटा। हे भगवान, हमरा बीजे की काय उठा लेला, हमरा बीजे का खेल रहेगा। Thank you.
भीतर में नींद नहीं आ रही थी, तुम्हारी गोद में सो जाऊं। छोड़ के नहीं गए, वो तो हमारे दिल में है, हमारे तुम्हारे इस पूरे देश की जनता के दिल में है मां। तुम आंसू मत पाओ, पता नहीं माँ, पता नहीं पड़ोसी मुल्क को हमारे देश से क्या नाराज किया, पता नहीं। बाबू, तू हमरा के जोड़ के कब कहीं बच्चे हमरा के जोड़ के होने हम मर जाएंगे बाबू, हमरा के जोड़ के कहीं बच्चे ही हो नहीं जाऊँगा कहीं नहीं जाऊंगा। केहू बा चिट्ठी आयल हो, केहू बा चिट्ठी आयल हो, चिट्ठी आयल हो। हाँ आ रहा हूं। हाय ली। हाँ ठीक है। चूल्हा भाड़ में गेल सरकारी नौकरी ना? एक बेटा तो शहीद हो गए, दूसरा बेटा के हम शहीद ना होके के देव? सरकार अपन नौकरी अपन पासे रखी कह देता नहीं। हाँ सुनो बेटा, बात ऐसी है कि विजय के शहीद होने के बाद बिहार सरकार उसकी जगह पे तुमको नौकरी दी है। मगर हम नहीं के चाहत। हाँ विजय शहीद हो गई, ओकर नौकरी अजय के मिलल। अगर अजय शहीद हो जाए तो हम का करब? बोली विजय की माँ, तुम्हारे पास दो बेटे हैं तो तुम इतना सोच रही हो? और जिसके पूरी दुनिया माँ है वो क्या सोच रहा होगा? हाँ बोलो। अरे अगर भगवान तुम्हें 10 बेटे भी दिए होते ना तो उन सभी को भेज देता मैं भारत माता की रक्षा करने के लिए, समझी? फालतू बात करती है। माँ बैठो। अरे बैठो। बाबूजी ठीक कह रहे हैं, अब मेरा मतलब है तुम भी ठीक ही बोलती हो। तुम किसकी माँ बोलो? बोले के पड़ी के करवाई है तो बताओ ना किसकी माँ? तोर माई है। ये धरती माँ किसकी माँ है? मेरा ही है ना। बाबूजी गलत कहा बोले? आपकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है बाबू? तुम्हारा। और धरती
मामा की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? अरे तुम्हारा ही है ना माँ। मरना जीना सब विधाता के हाथ में, और दुश्मन के पास कोई ऐसी गोली नहीं है जो तुम्हारे बेटे के सीने को पार कर सके। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। सोचो मत, मार के आएंगे, मरेंगे नहीं, क्यों बाबूजी? हाँ बिल्कुल ठीक। अब भूख लगी है, खाना दो। चलो ना माँ। अजय, तुम्हारा रेलवे में सिलेक्शन हो गया है। अब इसका कोई मतलब नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छा फैसला किया, लेकिन अजय तुम इतना उदास क्यों हो? अरे तुमको विजय भैया की याद आ रही है ना? हाँ यार, बहुत याद आ रही है। अब ये उदासी का बोझ कब तक तुम ढोओगे भाई? अरे देखो, जो होना था वो सब तो हो चुका, शायद भगवान को यही मंजूर था। चाचा चाची, भाभी, भतीजा, इन सबको समझाओ, उनकी हिम्मत बनो। अगर तुम टूट जाओगे तो उन लोगों का क्या होगा? और वो काजल दिन रात तुम्हारी याद में तड़प रही है। उसका फोन उठाते नहीं हो, वो मुझे और श्याम को फोन करती है बार बार। एक बार जाके तुम उससे मिल लो और खुद का फौज में भर्ती होने की बात बता दो। पता नहीं कहाँ रह गया, आने दो, बताती हूँ। काजल हाँ? आ गए। आहा, बहुत बड़ा एहसान कर दियो आकर। मतलब ये कि मैं पूरा 2 घंटा 20 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बात तो सही कह रही हूँ। क्या बात सही कह रही हूँ? हाँ, लेफ्ट राइट करके तो मेरे पैर दुखने लग गए हैं। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हाँ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ। अरे यहाँ 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 दर्द हो रहा है। अरे यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ देखो। अब क्या बताऊँ, देख रहे हैं, बड़ी फुर्सत से खुदा ने तुम्हें बनाया है। हाय, इतनी हसीन मिट्टी कहाँ से लाया है? लाया नहीं है, मंच चॉकलेट खाया है। हमें भी खिलाओ ना। लो खाओ ना। कहाँ खो गए? कहीं नहीं, जाके एक बार काजल से भेंट कर लो। नहीं करेंगे, मैं फौज में जाने के लिए माँ बाबू को मिला सकता, पर काजल को नहीं। कहीं काजल का प्यार हमारी कमजोरी न बन जाए।
एक बार विचार करना, हम माई है ना, हाँ? हम आपन मन के ना समझा पाते नहीं। विजय के सदमा तो हम बर्दाश्त कर ले, लेकिन तो कुछ हो जाए तो हम ना बर्दाश्त कर सकते। तुमको तो खुश होनी चाहिए माँ, मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है माँ। अब ऐसे घूर के देख के मुझे ब्लैकमेल मत करो, खुशी खुशी भेजो ना माँ। ठीक बा, तू जो भगवान तो रक्षा करी और हमारा आशीर्वाद हमेशा तोहर साथ रहे। तोरा रक्षा करी तो हर ढाल बन के खड़ा हो जाए। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो क्या कुछ हो जाए तो मर जाए। अरे मुझे कुछ नहीं होगा माँ, यकीन करो। जैसे तुम मेरी माँ हो, वैसे धरती माँ भी मेरी माँ है ना। एकदम कुछ नहीं होगा माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो चलो आओ मैं बताता हूँ। जा रहा हूँ भाभी। खुश रहें बाबू। प्रणाम बाबूजी। माँ, चला जल्दी, लेट होता है। चला जल्दी। चलो श्याम। चला चाचू। जय हिंद। मुझे तुम्हें बताते हुए खुद पे प्राउड फील हो रहा है कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। थैंक यू सर। और तुम्हारी पोस्टिंग भी वही की जा रही है जहां तुम्हारे भाई शहीद विजय वर्मा पोस्ट थे और आखिरी बार आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। अब तुम्हें देश की रक्षा के साथ साथ अपने भाई का भी बदला लेना है। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर सर। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी पूरी जाबाजी और दिलेरी के साथ माँ भारती के दुश्मनों को उनकी औकात बताओगे। सर। और हाँ, ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले छुट्टी दी जाती है, जाओ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर। सर, जय प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटे, क्या हाल है? बाबूजी ट्रेनिंग पूरी हो गई। अच्छा, खुशी की बात यह है कि क्या कुछ दिन के लिए मैं यहाँ से घर आ रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहीं गई है बाबूजी? नहीं, रहने दीजिए। अच्छा। आके बताऊंगा जी, जी बाबूजी, प्रणाम। खुश रहो। अरे विजय की माँ, ओ विजय की माँ, अरे जल्दी एक लोटा पानी लेके आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। आवत रानी जी। जल्दी आओ, जल्दी आओ। का खुशखबरी बाजी? अरे रुको भाई, वहाँ चाय पीने के लिए गया था। खुशखबरी ये है, तुम ना इधर देखो तो। बोली ना, हमारे अजय की ट्रेनिंग खत्म हो गई है। हाँ? और कल ही वहाँ से आ रहा है। है ना, अब तुम जाओ और बढ़िया बढ़िया खाना आज से ही बनाना शुरू कर दो। जाओ जाओ। थोड़ा हम भी खाएंगे। ये भी बहुत खुश हो गई। Thank you.
माँ माँ अरे आह हे भगवान सुखा कैसे गेल पड़ा वहाँ कोनो प्रॉब्लम रहेगा? हाँ माँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। कहा? जो पराठा तुम मेरे लिए भेजती थी ना वो मेरे दुष्ट सुबेदार रास्ते में ही खा लेते थे। बदमाश। अरे मेरा शेर बेटा आ गया। वाह। अरे विजय की माँ खुश रहो खुश रहो। अरे मेरा बेटा शेर आ गया। विजय की माँ। हाँ जी। चीता को जानती हो? वो क्या बोला? वो होता है सबसे दुबला। हाँ? मगर एक बात सुन लो, सबसे आगे वही रहता है, जैसे हमारा जाबाज बेटा। चाचा। बाबू आ गया। हमारा खतर का ले लो। तुम्हारे लिए। श्याम। हाँ। दे। इला। अरे भाई हम पाकिस्तानी ना ही सब पाकिस्तानी लोग का तका दाए करी ये कर हा पप्पी अभी ना इधर इधर भी ए शाबाश ये ले इतना सा तुम भी तो इतने से हो जब बड़ा हो जाओगे और ऐसी वर्दी पा जाओगे तो तुम्हें भी बड़ा गन मिल जाएगा क्या बाबूजी एकदम बिल्कुल ठीक जाओ खेलो जाओ आप ठीक है हाँ बेटा हाँ अरे यार राजा दशरथ तो कौशल्या माता और राम की मिलाप हो गई है तब तो चल के कुछ काम काज कर लिहल जाओ भाई साहब ये क्या बकरा है छोटन चाचा कुछ काम है ना जो यार अजय क्या काम अरे चाची कुछ जरूरी आज क्या काम है हाँ मैं इधर आता नहीं हमारा कैसा मालूमबा कि तू इधर आता रहा तोरा कैसा मालूमबा हाँ हाँ अच्छा मत, तुम ढेर बोला मत हाँ, हम कहते नहीं चला चला चलते, चला रुक जाओ अरे भाई चला रेस चल रेस चल तो करने दे अरे चाचा जी अरे छोटा बता ना कौन सा काम है रे कौन सा काम है क्या बताऊँ तुमसे यारा रे हमको प्यार हो गया बताओ ना मार क्यों रहे हो बे चुप कर खाना खाएगा हाँ माँ दो जगह खाना लगाओ मेरे साथ भुक्खड़ भी आया है के कल्याण हाँ फेमस हो गया बे अच्छा आओ हाथ धो ले ए हाँ क्या क्या हाथ धो अरे मेरे हाथ तो साफ हैं साफ हाँ सैलून के पानी कितने दिन में बदलते हो जब तक कीड़े नहीं पड़ते हैं अबे गंद हो रहा जाके हाथ धो जा रहा हूँ जा रहा हूँ एक बार कुत्ते का पूंछ सीधा हो सकता है बाकी तुम नहीं इला। चाची प्रणाम हाँ हो चाची मैं तो ठीक हूँ लेकिन आपकी बड़ी बहू कहाँ है माई के गैलवाड़ी हाँ यही से तो खाना हमके पकावे के पड़ा था तनी अजय के समझावा हाँ जल्दी से ब्याह कर ले हमरो के हाथ बटावे वाली चाही ना वो नैहर गयी छुटकी बहू आ जाई तो हमार साथे हाथ बटाई ना हाँ और नहीं तो क्या और वैसे भी बुढ़ापे में काम कहाँ हो पाता है ज्यादा नहीं हो रहा है बहाव के रोक गति के धीमा कर ओकरा के काहे धमकावत आड़े हाँ हम सब बुझी ले अरे मेरी माँ इधर ड्यूटी उधर ब्यूटी नौकरी मिलते ही शादी कर लूंगा नौकरी मिलते ब्याह कर ले हर चीज की एगो टाइम होला अरे तो मैं कहाँ बुढ़ा हो रहा हूँ हाँ, कहाँ बुढ़े हो रहे हैं ऐ चुप कर माँ
आज तोर बाबूजी से हम बात करत नहीं तोर ब्याह खातिर। माँ चुप अब। खाना खो हुँ। हम पानी लेके आवता नहीं। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे अच्छा तो है। अरे फौजी बनने से पहले भाभी मिल जाएगी। अरे अपनी जिंदगी झंड मत कर। अरे तो प्यार से बोलना, बहाव के रोक, गति को धीमा कर। अरे यार तेरी तो शादी हो जाएगी और मैं तो झाले बजाता रह जाऊंगा। सुन तू चिंता मत कर, तुम जिंदगी भर अस्तूरा नहीं चलाओगे। ये कुकुर मुत्ता की तरह शक्ल मत बनाओ। तुम्हारी जान का क्या नाम है? सामान। तुम्हारी प्राण रे। ए, कविता। अगर मेरी कविता को कोई और पढ़ लिया ना तो मैं जान दे दूंगा। तुम्हारी जान इतना सस्ता है? कविता की तुमसे शादी मैं कराऊंगा। मैं भी देखता हूँ कौन बीच में आता है। नफरत और जंग में सब जायज होता है। सब नहीं नहीं, जायज हो रहा है, जायज हो रहा है। खाना खाओ, खाना खाओ। तुम चिंता मत करना। हाँ नहीं, मैं एकदम चिंता नहीं करूंगा, कोई चिंता नहीं है। माँ अरे पानी दो ना माँ। तेरे अखा का यो काजल कर देता है मनु घायल। क्या है रे, इधर आओ। छोटा पटाका बड़ा धमाका। हाँ चल भाग यहाँ से, भाग। अरे बबुआ जेकरा खातिर इतना ठीक पठोर पड़ा ना तारा बाबूजी, ओकरा बाबूजी से मिलके बात पक्का करे खातिर गेल पड़े। हाँ सच में माँ, हम जाना था तुहार जान कहाँ अटकल बा। अरे विजय की माँ, अजय का रिश्ता पक्का हो गया। हाँ अच्छा सुनो, एक बात ध्यान से सुन लो। दिग्विजय सिंह फौजी के बेटे का ब्याह है, हा? तो इस घर को अच्छे से जगमगा देना। हा? लोग आएंगे देखे तो देखते ही रह जाए, ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू माँ। तेरी अखा का यो काजल कर देता है मन पागल। नर 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 नर। अजय अजय। अरे काजल क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हें ले जाने के लिए कुछ जवान लोग आए हुए हैं। वो क्यों? वो लोग कह रहे कि ऊपर से ऑर्डर आया है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अरे पगली इधर देखो। अरे तो इसमें इतनी रोने की क्या बात है, ऑर्डर ही आया है ना। मैं फौजी हूँ, जब जब ऑर्डर आएगा मुझे देश की रक्षा के लिए जाना पड़ेगा और ये तो मेरा फर्ज है। तो मैं क्या हूँ? मेरे प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। देखो काजल, देश से अपनी तुलना मत करो। एक जवान के लिए पहला फर्ज उसका यही होता है कि वो पहले अपने देश की रक्षा करे। तुम मेरी प्राण हो, तुम्हारी हर सांस मेरे सांस में बसी है। देखो मेरी ताकत बनो, कमजोरी मत बनो। बनोगी ना? हंसो, जाके मेरी वर्दी ले आओ। पगली कहेगी। हाँ मिश्रा। सॉरी अजय, हेडक्वार्टर से इमरजेंसी मैसेज आई पा, आज ही निकले के बा। ठीक है। का ठीक बा? हाँ का ठीक बा, आज ही तोर ब्याह भइल
और आज ही ले जाए खातिर आगे ले, हम ना जाए दे। माई बात को समझा करो, इमरजेंसी मैसेज है। ना ना, हम ऐसे ना होके दे। अरे मेरे काटने से भी नहीं कटेगी। बाबूजी समझाइए माँ को, आज हिंदुस्तान को तुम्हारे बेटे की जरूरत है, समझाइए ना बाबूजी। कहा समझाइए विजय की माँ, इस तरह की सिचुएशन में माँ बाप को कलेजे पे पत्थर रखना ही पड़ता है। हंस के विदा करो अजय को, हंस के घर वापस आएगा। समझा करो माँ, मैं फौजी हूँ, हर बात पे रोना धोना ठीक नहीं होता है। चुप हो जाओ जाएगी। चलो विशाल। अजय, जल्द ही आऊंगा, अपना ख्याल रखना। तुम भी माँ, रो मत माँ बाबूजी। गांव का सफर कैसा रहा अजय? बहुत अच्छा सर। माँ और बाबूजी सब ठीक हैं? एकदम बढ़िया सर। चलो ठीक है, साइन करो और आज से ड्यूटी ज्वाइन कर लो। सर जय हिंद। सिट डाउन। सर अचानक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का मकसद? अभी अभी गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सर वो घुस चुके हैं तो पकड़े भी जाएंगे सर। और वो एक बड़े प्लान के साथ गुजरात, राजस्थान और कश्मीर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बमबारी करने वाले हैं। बहुत जल्द वो लोग उस प्लान को अंजाम देने वाले हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश के ही कुछ लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। हमें चौकन्ना रहना होगा, वो हमारे देश के किसी भी कोने में हमला कर सकते हैं, तो हमें उन्हें किसी भी प्रकार से रोकना होगा। अजय सर, तुम पूरी तरह से अभी अलर्ट हो जाओ। सर राम सिंह, तुम ऐसा करो, सीमा से सटे जंगल के इलाके में बटालियन के लिए सारी व्यवस्था उपलब्ध कराओ। जय हिंद सर। धारा 370 खत्म होने से हमारे सिपाहियों के इरादे कमजोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं बॉस, हमारे इरादे तो और भी पुख्ता हो गए। वाह, कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आगाज तो उन्होंने किया था, खत्म हम करेंगे। बहुत खूब, आमीन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हैदर कहाँ है? आ रहा है। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम हैदर। हाँ भाईजान, क्या हाल समाचार है? आर्मी में एक नया नौजवान ऑफिसर आया है, अजय वर्मा। ये वही विजय वर्मा का छोटा भाई है। विजय वर्मा भी आया था हमारे मंसूबे पर पानी फेरने के लिए, उसको तो हमने जहन्नुम में पहुंचा दिया। लग रहा है इसको भी इसके भाई के पास पहुंचाना पड़ेगा। अरे हम लोगों का तो बस एक ही मिशन है,
कश्मीर की आजादी और पूरे हिंदुस्तान की बर्बादी, और इन हिंदुस्तानियों को हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान का पाक हिस्सा था जो हमसे धोखे से छीन हमारे शरीर में खून नहीं बारूद है, बारूद जो हमसे टकराएगा उसके चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। हमारे जीने का मकसद है कश्मीर की आजादी। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। हे भगवान, मेरा सुहाग जहां भी हो सही सलामत रखना। हे देवी मैया, हमारे बेटा की हिम्मत और हौसला दी। दुश्मनों के इरादे और मजबूत होते जा रहे हैं, और अभी पता चला है पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पता चला है कि कल परसों तक वो हमारी सीमा के अंदर होंगे। उनकी प्लानिंग हमारे यहां बम ब्लास्ट करने की है। 5 जन जो लोग हमारी सीमा में जंगल के रास्ते घुसने वाले हैं, वो हमारे देश के किसी भी कोने में बम ब्लास्ट कर सकते हैं। उनके इरादे और उनकी हिम्मत तो देखो, अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद पाकिस्तानी आतंकवादी यहां आके हमारे देश में आतंक मचाना चाहते हैं, और वो भी एक बड़े प्लान के साथ। हमें इनके सहारे उस इंसान तक पहुंचना है जो इस खेल का मास्टरमाइंड है, उसे जिंदा पकड़ना होगा, ताकि वो किसके कहने पे किसके इशारे पे ये सब कर रहे हैं। इसलिए इस मौके को हमें हाथ से नहीं निकलने देना है। अगर हम लोग इस बार कामयाब हो गए तो जीत हमारी पक्की है। सर, आर यू रेडी? जय हिंद। गाइस, मिली जानकारी के अनुसार दुश्मन अपना मूड बना चुका है, कभी भी हमला कर सकता है वो। अलर्ट रहना जरूरी है। दीपक? यस सर, हम लोग भी पूरे तैयार है सर, सारी तैयारी हो चुकी है। दुश्मन बाल भी बाका नहीं कर सकता सर। गुड। गांव की मिट्टी के खुशबू के छोड़ के अलबनी, यहाँ दुश्मन के धूल चटावे। रिलैक्स, आओ बैठ। तुम्हारे गांव की बात से गांव की याद आ गई। भाभी के फोटो आ का? मेरे सुकून की फोटो। सर सर सर, कहाँ खो गई? नहीं, अपने सुकून के साथ अपने गांव में। रिक्वेस्ट बा सर एगो। क्या बोलो? हमके गांव में जाए के बा सर। अचानक लड़का भइल बा सर। ओह बधाई हो। थैंक यू सर। सर बड़े साहब से कह के थोड़ा छुट्टी दिलवा दी ना। छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें, छुट्टी खुश। मुनव्वर, अब बॉर्डर क्रॉस करने का वक्त आ गया है। हिंदुस्तान की सीमा में घुसने के बाद के सारे इंतजाम हो चुके हैं, बस तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करते वक्त सावधानी बरतनी होगी। चारों तरफ हिंदुस्तानी सैनिक गश्त करते रहेंगे, बहुत संभल कर चलना होगा। हिंदुस्तान में हमारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बस तुम्हारे वहाँ पहुँचने की देरी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम वहाँ पहुँचने के बाद अपने काम को अंजाम जरूर दोगे। इस बार हम काफिरों को सबक सिखा कर रहेंगे। खुदा हाफिज। चलो आओ, आ जाओ। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हमारे लिए गाड़ी खड़ी है। यहाँ से वहां तक जाना है और कुछ दिन हिंदुस्तान में रुकना है। हम अपने मिशन को कामयाब बनाएंगे, समझे? आओ। इस तरफ से आ जाओ।
रुक जाओ। अब यहाँ से ना 500 मीटर दूर हिंदुस्तान की सीमा शुरू हो रही है। हमारी सीमा यहीं खत्म होती है और वह तुम लोगों का ईमान है ना तुम लोगों का धर्म। अभी अभी खबर सामने आई है कि आतंकवादियों और हिंदुस्तानी सैनिकों से आमना सामना हुआ है, जिसकी वजह से कुख्यात आतंकवादी मनव्वर खान हिंदुस्तान की गिरफ्त में आ चुका है। जी दोस्तों, हिंदुस्तानी सैनिक पहले से अलर्ट थे और जैसे ही कुख्यात आतंकवादी मनव्वर खान हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश किया, वैसे ही बहादुर सैनिक अजय वर्मा ने अपनी जान की बाजी लगाकर उनका मुकाबला किया। इस वजह से खूंखार आतंकवादी मनव्वर खान पकड़ा गया। दुख की बात यह है कि उस मुठभेड़ के बाद से ही अजय वर्मा का पता नहीं चल पा रहा है।
खूंखार आतंकवादी मनोवर खान से पूछताछ जारी है और अभी भी लापता अजय वर्मा को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, अजय वर्मा शहीद हो चुके हैं। जी हाँ, सेना प्रमुख के द्वारा बयान जारी किया गया है कि मनोवर खान के साथ मुठभेड़ में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद से ही अजय वर्मा का कोई पता नहीं चल पा रहा है। ब्लास्ट की जगह से कुछ सामान बरामद हुए हैं, जो सामान अजय वर्मा का बताया जा रहा है। इसी से अनुमान लगाया जा रहा है कि अजय वर्मा शहीद हो चुके हैं। इससे पहले आतंकवादियों के द्वारा मुठभेड़ में अजय वर्मा के बड़े भाई भी शहीद हो चुके हैं। अजय वर्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। ब्लास्ट वाली जगह से अजय वर्मा के कुछ सामान मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अजय वर्मा शहीद हो चुके हैं। आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं, कुछ ही दिन पहले आतंकवादियों के द्वारा हुए हमले में अजय वर्मा के बड़े भाई शहीद हो चुके थे। अब अजय वर्मा के इस खबर से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। सोचिए, अजय वर्मा के माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी, जिनके दोनों जवान बेटे देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। अभी कुछ ही दिन पहले अजय वर्मा की शादी हुई थी, उनकी नई नवेली दुल्हन, जिसके हाथ से मेहंदी के रंग भी नहीं छूटे थे, बेचारी विधवा हो गई। जरा सोचिए, उस शहीद के विधवा के दिल पे क्या बीत रही होगी। शोक प्रकट करते हुए सेना प्रमुख ने वीर शहीद अजय वर्मा को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने बताया कि अजय वर्मा के इस शहादत को पूरा देश नमन करता है। और सेना प्रमुख ने यह भी बताया है कि मनोवर खान के पकड़े जाने पर आतंकवादियों के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया है। अभी मनोवर खान से पूछताछ जारी है। पूछताछ में बहुत अहम सुराग मिलने की आशंका है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ देश दुनिया की नई खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। आतंकवादियों ने भारत पर फिर हमला किया, जो काफी तादाद में थी। आतंकवादियों ने फिर से हमला किया, कई जवान शहीद हो गए, लेकिन आर्मियों ने आतंकी सरदार मनोहर खान को अपने गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन दुख की खबर ये है कि अभी तक अजय वर्मा की कोई खबर नहीं मिली। बम के धमाके को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि देश के लिए लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। दिग्विजय भैया के बड़े का पहले ही शहीद हो गए रहा। अजय ही रहल परिवार के आधार, वो शहीद हो गए। अब उनके परिवार पे का भी दिग्विजय भैया के दिल पे पहाड़। मिल गई शांति ना। हम पहले मना करत रहनी कि हमरा बेटवा के ना भेजी, मगर हमार के ऊ बात मानी तब ना। बेटा, मेरे बेटे की लाश तो दिखा दो। बाबूजी, विस्फोट इतना जोर से फैल रहा है ना, अजय के कुछ भी पता ना चलल। मिल गई शांति, मिल गई ना। हमार बंस के आखिरी दिया बुझ गए। माँ जी, क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हैं आप? और ये फोटो पर माला? मेरा बेटा अजय देश की खातिर शहीद हो गया। नहीं बाबूजी, नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी, देखिए, आप रोइए मत। अजय जिंदा है, आप क्यों रो रही हैं? अरे, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने जिंदा बेटा का शोक मना रही हैं? बोल रही हूँ कि जिंदा है। देखिए,
मेरा अजय, अजय के धड़कन सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ। हाँ, मुझे तो इनकी धड़कनें महसूस हो रही है। नहीं, नहीं मान सकती, अजय जिंदा है। बहुत ही मत बता रहा हूँ, लेकिन अब हमारा दोस्त अजय जिंदा नहीं था, शहीद हो गए बड़े। शर्म नहीं आती आपको? हाँ, एक एक फौजी होकर एक जिंदा फौजी को शहीद बोल रहे हैं? शहीद हो गए? हाँ नहीं, वो शहीद नहीं हो सकते। किसी दुश्मन के बम या गोली में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे सुहाग को मुझसे छीन ले। हाँ माँ जी, देखिए आप रोइए मत। हाँ आप शांत हो जाइए। हाँ अजय आएंगे, जिंदा है अजय, वो जिंदा है। हाँ अजय भैया आतंकवादी हमला में शहीद हो गए। कल्याण मत रो, कहें कि ये भगवान की मंजूर रहे। भगवान इतना हृदय कैसे हो सकेले। चाची रो रो के पागल हो रहे मानी। और काजल मौजी के तुम बताए नहीं भाई कि उनके सुहाग गुजर गए। भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकेले। अरे श्याम क्या करता ना? श्याम, अरे अंधेरा में कौन पढ़ाई करता ना बेटा? ए श्याम, अरे मचिसिया भी ना काजनी कहा था ही ले बा। अरे रोता श्याम, का भइल बेटा? काहे रोता रे बेटा, का भइल? क्या हुआ क्या? वो अजय बोलता था कि आतंकवादी मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए था ना, तो हमको काहे छोड़ के चला गया? हम तो उसके यार है ना, कतार थोड़ी है जो हमको छोड़ के चला गया। ठीक है बेटा, बेटा मत बेटा, हम तो अरे साथ पानी बेटा मत रो बेटा, शांत हो जा। चुप हो जा बेटा। बहू, ये तुम क्या कर रही हो बहू? अरे अजय अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान को यही मंजूर था। अजय नहीं मरे हैं बाबूजी, मुझे पूरा विश्वास है वो जहाँ भी होंगे मेरी ये मांग की सिंदूर उन्हें जरूर खींच लाएगी। विजय की माँ समझाओ बहू को। बेटी माँ जी, मुझे विश्वास है वो जिंदा है। माँ जी हाँ बेटी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखा, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देखिए आप जैसा उचित समझे वैसा करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। चलो काजल। कहाँ? बेटिया अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटोगी तुम? इसीलिए मैंने फैसला किया है मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगा। देखो बेटी, बाबूजी जो कह रहे हैं मान, अभी तुम्हारी पूरी उम्र बची है, कैसे बिताओगी? कब तक तुम ऐसे रहोगी? कब तक बहू, कब तक? क्या बाबूजी, बोझ लग रही हूँ क्या? क्या बात कर रही हो बहू? अरे बेटी तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो,
बहुत बड़ा भाग्य है जो तुम मेरे घर में बहू बन के आई। मैं कोई आंखों की काजल नहीं हूं कि आंसू के साथ बह जाऊं। अजय के नाम मैंने अपनी रूह, धड़कन सब कुछ कर दिया है बाबूजी। मैं अपने अंतिम सांसों तक उनका इंतजार करूंगी। मुनव्वर खान, सच सच बता, कौन है तेरा बॉस और कहां कहां तुम लोगों की प्लानिंग है ब्लास्ट करने की? तू ऐसे नहीं बताएगा, लगता है हिंदुस्तानी आर्मी का पावर दिखाना पड़ेगा। मुनव्वर खान, तू हिंदुस्तानी फौज के कब्जे में है, नहीं तो हिंदुस्तानी फौज तेरे साथ क्या सलूक करेगी, तू सोच भी नहीं सकता। बता, बोल तेरा असली को। बोल, कौन बॉस है तेरा? है फौजी, तू ना चाहे मेरी जान भी ले लेगा ना, तो भी मैं नहीं बताऊंगा, समझा? मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं बताऊंगा, समझा? तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे थर्ड डिग्री देना ही पड़ेगा। बोल, कौन है तेरा सरगना, कौन है, बोल। नहीं बताऊंगा। जुबैर, फोन लाओ। अजहर। जी जनाब। उन्होंने मुनव्वर खान को गिरफ्तार करके हमारे लोगों में और उबाल भर दिया है। जी जनाब। अब हम उन्हें उनकी औकात दिखा कर रहेंगे, उन्हें एक पल भी नहीं बख्श सकते हम। अब हमें खौलते हुए खून से नहीं, ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। अजय वर्मा और उसका भाई हमारे ही किए हुए हमले में शहीद हुए थे। जी जनाब। दोनों भाई हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी मीडिया के लिए हीरो हैं। अब हमें लोगों के इस इमोशन को अपना हथियार बनाकर मुनव्वर खान को छुड़ाना पड़ेगा। जी जनाब। हम उसकी माँ को किडनैप करके पाकिस्तान लाएंगे और फिर हिंदुस्तान की फौज और सरकार को, जी जनाब, अपनी इज्जत बचाने के लिए मुनव्वर खान को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। सलाम अलैकुम। क्योंकि जिन्होंने देश के लिए अपने आप को शहीद कर दिया, उसकी बूढ़ी माँ आतंकियों के गिरफ्त में कैसे रह सकती है? ये बात लोगों को हजम नहीं होगी और मजबूरन हिंदुस्तानी सरकार को मुनव्वर को छोड़ना पड़ेगा। उकरा बिना कैसे जी? उकरा बिना हम कैसे जिया तानी माई? हम मर जाए, अब हम मर जाए। हाँ, हम लाल के साथ क्या कहलो? उकरे की कुछ कैसे हो गए भैया? तू तो पूरा संसार की माता बड़ो, तू तो जाने लो। उकरा बिना काजल कैसे रही माई? हमरा परिवार के पुकार तो तू सुन सकेलो ना भाई? हाँ, तू तो जाने लो। ओकरे बिना हम ना रह सके, ओकरे के कुछ कैसे हो गए? हम मर जाए हम ओकरे बिना ना रह सके, हमारे बच्चे के लौटा दी माए। तू तो माई बड़ो, हम वो माई है, हमार दिल के टुकड़े के लौटा दी। Thank you.
ये कौन सी जगह है? पाकिस्तान। मैं यहां कैसे आया? कल मैं जंगल गया हुआ था तो वहां पर मैंने देखा। तक मैं जिंदा हूँ, जरूर कोई खास मकसद है। मेरे वतन के साथ साथ मेरी माँ और काजल भी मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे जल्द से जल्द अपने वतन लौटना पड़ेगा। ए बुढ़िया, क्या बुढ़िया? चला, अरे अरे हम कहाँ कहीं चला था? अरे छोड़, छोड़ा हाँ? अरे हम कहाँ कहीं नहीं? चल हमरे के ले जाता रहा। चल अरे काहे चल गाड़ी में चल 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 काहे अरे अरे छोड़ा हम बोला था कि छोड़ा ठीक नहीं क्या होई छोड़ दा हमरे के अरे हम बोला था कि हमरे के छोड़ चल चल बैठ अरे छोड़ा हमरे के हमरे के काहे पकड़ लिया बुढ़िया बोला चल बैठ के हो अरे क्या है आप बोलो तारे बुढ़िया छोड़ा छोड़ा चुप कर बेहोश कर रख अरे क्या कह रहे हैं चुप 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 कर जब बानल काहे बनी हां अरे क्यों बा अरे हमरा के बचावा हमरा के यहां से छुड़ा के ले जावा हो हे भगवान हमरा की छुड़ावा अरे हमरा के बचावा इन लोगन से क्या अरे के बड़ा तू लोग हां काहे के हमरा की आलेल बड़ा हां का कहने बनी तोरी के बतावा चुप बुढ़िया बताता हूं कि तुझे क्यों लाया हूं यहां तुम्हारे दोनों बेटों को अपने आदमियों से मरवाया था मैंने सुन तुझे मैं किस लिए लाया हूं वो मैं तुझे बताता हूं तुम्हारे हिंदुस्तान के आर्मी ने हमारी टीम के कमांडर
मुनव्वर खान को गिरफ्तार करके अपने हिंदुस्तान के जेल में बंद कर रखा है, जिसकी वजह से सारा प्लान हमारा फेल हो रखा है। और उसे ही छुड़ाने के लिए हमने तुझे किडनैप करवाया है आज, क्योंकि तेरे परिवार से पूरे देश की भावना जुड़ी हुई है। ये बुढ़िया सुन, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर मुनव्वर खान को हिंदुस्तान सरकार ने नहीं छोड़ा, तो हम तुम्हारे साथ जो करेंगे ना, उसे देखकर सारे हिंदुस्तानियों की रूह कांप जाएगी। और अभी 24 घंटे होने में कुछ ही समय बाकी है। इधर वक्त खत्म हुआ और तुम्हारा वीडियो वायरल। और उधर सरकार के खिलाफ जनता का विरोध, और विरोध इतना भयानक होगा कि मुनव्वर खान को हिंदुस्तान सरकार को छोड़ना ही होगा। वक्त तो अब खत्म होने वाला है, उससे पहले एक आखिरी बार हिंदुस्तान सरकार को वक्त देने दो। भगवान तुलुक के कभी ना माफ करिए। हाँ दरिंदो, हमरा की छोड़ी, हम बेकसूर बनी, हमरा की काय पकड़ के रख ले बड़ा। हेलो कौन? कैप्टन, क्या हुआ? कब छोड़ रहे हो मुनव्वर खान को? वक्त का ख्याल करो, तुम्हारे पास अब सिर्फ 30 मिनट बचे हुए हैं। और सुन, अगर इन 30 मिनट में तूने हमें कोई सूचना नहीं दी, तो तू सोच भी नहीं सकता है कि अजय वर्मा की माँ के साथ क्या क्या हो सकता है। बकवास बंद करो। क्या सबूत है कि शहीद अजय वर्मा की माँ तुम्हारे कब्जे में है? ले सुन, हमरी खातिर कोनो समझौता मत करी। और हाँ, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, वो वीडियो तेरे हिंदुस्तान की पूरी मीडिया में वायरल कर दूंगा मैं। ठीक है, हमें गृह मंत्री जी से बात करनी होगी। मत छोड़िया मुनव्वर खान के। चुप बुढ़िया, बहुत चपड़ चपड़ करती है। जय हिंद सर। सर, आतंकियों ने मुनव्वर खान को छुड़ाने के लिए शहीद अजय वर्मा की मां को किडनैप कर लिया है, जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा सर। ओके सर। ओके सर, जय हिंद सर। अजहर, क्या खबर है? जी हुजूर। हिंदुस्तानी फौज कब रिहा कर रही है मुनव्वर को? जनाब, अभी कोई खबर नहीं आई है मुनव्वर खान को छूटने की। फिक्र मत करो, खबर जरूर आएगी, क्योंकि वो बुढ़िया हमारे कब्जे में है। इस बुढ़िया को हम लोगों ने बांध के रखा है, अगर मुनव्वर खान को नहीं छोड़ा तो हम लोग आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। बहुत खो, सारे सिपाहियों को चौकन्ना रखो, बस हम भी वहाँ पहुँच ही रहे। हमें आपका इंतजार है। रक्षा करना।
मेरा फर्ज है। क्या हुआ? हमरा मदद करे, हमरा के बचाए। ये तो माँ है। हमरा के बांध के रखल बा, हमरा के बचाए। अब क्या करे माँ? रुक जा। बिना वजह छेड़ते नहीं, और कोई हमें छेड़े तो उसे छोड़ते नहीं। फाड़ दे कलेजा दुश्मन के घर में, हिंदुस्तानी उसे कहते हैं। जा, जा। अजय! Ah!
जब हम तुम्हें नहीं छेड़ते तो तुम क्यों छेड़ते हो? कश्मीर क्यों नहीं छोड़ते? कश्मीर हमारा है। तुम एक मुनव्वर मारोगे तो 100 मुनव्वर पैदा होंगे। 100 मारूंगा तो 1,00,000 पैदा होंगे। 1,00,000 मारूंगा। भेजे रे, शांति से बात घुसती नहीं है क्या? ए काफिर, तेरा भाई भी आया था यहाँ, मैंने मारा उसे, वो भी बम से उड़ा के, समझा? क्या लगा मेरे भाई को मार के? अच्छा ओके, जान ले लूंगा तेरी, तेरे इसी पाकिस्तान में मार डालूंगा तुझे। हिंदुस्तानी हूं मैं, हिंदुस्तानी हूं मैं, हिंदुस्तानी। उठना, देख तुम्हारा बेटा आ गया। माँ, ए माँ, उठना माँ, आँख खोलना। हाँ माँ, अजय तुम्हारा बेटा। अजय बेटा, मैं कहा था ना मैं जरूर आऊंगा, देखा गया है। कार लगाए के छोड़ के इतना देर? जाना था ना तुहार बाबूजी, काजल बिटिया, तुहार भाभी, तुहार भतीजिया चिंटू, यहाँ तक कि पूरा गांव, हमार बबुआ के हमार अजय के इंतजार करत रही। बेटा तू हमने के छोड़ के कहाँ गए रे? नहीं जाऊंगा मां। चला चला घर चला, काजल बिटिया तुहार इंतजार करत रही। ज्यादा तड़ा